परम पिता परमात्मा सावन कृपाल के चरणों में नमस्कार है, जिन्होंने सानू आप का जश करन का मौका दिता है। ये उस परमात्मा कृपाल की दया है जो आप बैठ के भजन द्वारा अपना वार प्रगट कर लेने हैं। प्यारे हो सतगुरु नूं ना तां साडी सिफत की जरूरत हुंदी है, ना वो मान वडाई का भुखा हुंदा है। उन्हूं बड़ी ही मान वडाई उहदे परमात्मा गुरु ने दित्ती हुंदी है। सब तो वड्डी सिफत यही है उसनूं मिली जो उसने आके होर अनेक आत्मा नूं शांति बख्शी हुंदी है। परमात्मा की वडियाई जिन्हों मिल गई दुनिया भी वडियाइयां उसके अगे तुच्छ हुंदियां हन, लेकिन सेवक जब तक आपका व्यार प्रगट नहीं करता उहदे अगे पुकार नहीं करता गा। महाराज जी कहिंदे हुंदे जिन्ना चिर बच्चा सोया है माता आपदे कम विच मगन है, जब बच्चा रोंदा है जरूर माता उहदी जरूरत पूरी करदी है, भावें कोई भी कारोबार करदी होवे उह छड के बच्चे नूं आके उठा लैंदी है, उहदी भावना की बड़ी कदर करदी है। इसे तरह वह तो आप साडा गुरु आप दे गुरु दे प्यार विच मस्त हुंदा है, लेकिन जब असी सच्चे दिलों उहदे अगे पुकार करदे हैं आपदी तड़फ जार करदे हैं कि असी तेथों बिना रुल गए हैं, साडा तेरे बिना कौन सहाई है, वह जरूर साडी पुकार करदा है, साडी जरूरत नूं जरूर पूरी करदा है। हाँ वे जिस नूं परमिशन मिल जाती है भजन बोलन दी ओह पेज नंबर जरूर बोलो ताकि दूजे प्रेमियों नूं शब्द पालना आसान हो जाए। सब दे बड़े मिठे प्यारे भजन सुन बड़ी आत्मा नूं ठंडक पैंदी है। ये भजन जिन्हें महाराज कृपाल दे लिखे सन ये सारे उन्हां दे संदेश सी अपने प्यारे गुरु नूं, तो ताई जी जाके सुनाउंदी हुंदी सीगी। सानूं पता है कि जो सच्चे आशक हुंदे है सच्चे प्यार वाले हुंदे है उन्हां दे नाल दुनिया कट नहीं करदी गी, दुनिया एक दीवार बन के गुरु और उन्हां दे विच खड़ जांदी है। जो दिक्कतां महाराज कृपाल नूं पेश आईयां उन्हां दे गुरु दे और उन्हां दे दरम्यान जदों असीं उन्हां दे मूँह तों इह गल्लां सुणदे सां दिल कंबदा सी कि असीं कित्थों तक मालक दे प्यारां दा इम्तिहान लैंदे हैं। महाराज नूं जिहड़े मूहरे हुंदे सीगे मिल नहीं दिंदे हुंदे सीगे, दूर रखदे सन, इत्थों तक
एक प्रेमी ने बहुत सारे पत्र लिख दिते महाराज सावन सिंह नू उना दे खिलाफ, और पत्र एक कलम दे और अलग अलग डाकखाने तो पोस्ट कर दिते। लेकिन वो सावन जेड़ा अंदर बैठा सी, जेड़ा तकड़ी दी तरह सानू हर एक नू अंदरों तोलदा सीगा, उनू कौन पला सकदा सीगा, उनू पता सी के मेरे वास्ते जगह किसने बनाई है। प्यारे हो, गर्मिया के दिन महाराज सावन सिंह तो गर्मी नहीं सहारी जाती सी, उदो डलहौजी जाते सन। डलहौजी आम संगत को आने का हुक्म नहीं हुंदा सीगा, तो प्रेमी उन्हां दे याद विच तड़फदे सन कि कदों नीचे डेरे आउण उन्हां दा दर्शन करिए। तो एक दफा जदों उन्हां दा आउण दा टाइम सीगा, उन्हां ने फिर बदल लिया, जो उन्हां नूं तार भेजी कि थोड़ी तो बसंत है पर साड़ी अंत है। महाराज सावन नूं जदों उतार गई, फौरन तैयार हो गए डेरे आउण नूं। महाराज सावन सिंह ने आके कहा, भाई तू प्यारिया कृपाल सिंह, इस तरह की केबल ना भेजा कर, मैं कुछ दिन होर रुकना सी, लेकिन तेरी केबल दे अंदर बड़ी खिच सी, मैं उदो तैयार हो गया। इस तरह जो महाराज जी आपदे फार्म हाउस छिकंबर बुलाते सन, उदो भी संगत नूं हुक्म हुंदा सीगा भी कोई आवे, वह कहिंदे हुंदे सन मैं उत्थे गृहस्थी हुंना है, तुसी मेरी गृहस्थी दे विच आके दखल मत दिओ। तो यह महाराज ने उदों सिरसे महाराज जी रहिंदे सीगे, छिकंदरपुर दे साथ ही है, ये भजन बोलिया ताई जी ने उत्थे, क्योंकि मैनू जिहड़ा साडा आर्मी का लैफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह सीगा वो इन्हों का सेवक सीगा, मैनू उन्हां दे साथ जाण दा मौका बहुत ज़्यादा मिलिया, जिस वास्ते मैं महाराज सावन सिंह की ज़्यादा संगत कर सकिया, क्योंकि मैं ऑपरेटर सी, ऑपरेटर हमेशा ही जनरल दे साथ हुंदा है। तो प्यारे हो, ये शब्द जिस वेले बोलिया सीगा ताई जी ने, मैं उत्थे ही सी, तो मैनू नहीं पता सीगा कि ये जो भजन बोलती है ये इतना महाराज कृपाल दे या महाराज सावन दे नेड़े है, या ये उस महान आत्मा का लिखा होया है जिहड़ा भविष्य विच आने वाले वक्त विच मेरी आत्मा नूं शांति देवेगा, मेरी आत्मा नूं नाम दा अमृत इसे ने पिलाउणा है। ये शब्द दे अंदर किन्नी निम्रता विखाई है कि मैथों तेरियां जुतियां चंगियां हन, क्योंकि हर टाइम तेरे साथ रहिंदियां हन, सानू तू दूर भी कर दिंदा है, लेकिन जुतियां नूं दूर तां नहीं करदा गा, जे असी भी किते यही बन जांदे तेरे हमेशा साथ रहिंदे। जद मेरे घरे परमात्मा कृपाल आए सीगे, मैं भी कई गल्लां दे विच हस के कविता दियां तुका बोल लैंदा सीगा। एक दफा उह अपना साफा संवार रहे सीगे, मैं यही प्यार दे विच गद गद हो के कहा कि या कृपाल मैनू शीशा ही बना लैंदा, मैं हुंदा किसे कार दा पर हुंदा मेरे यार दा, मैं उत्थे ही खड़ोता रहिंदा कंध नाल जिथे मैनू फड़ के तू कनियार दा, लौट के मैं तेरा नुक्स कढ दिंदा, हुण तां तू गुस्सा मंदा है, ते फिर जो तू मेरे अगे आके खड़दा मैं कहिंदा तेरी इत्थों दाढ़ी विंगी है, इत्थों तेरी पग विंगी है, तेरे इन्ने नुक्स कढ़दा, तू गुस्सा नहीं करना सीगा, हुण जे मैं तेनू महाराज कह देवा सच्चा पातशाह कह दा तू कान मरोड़ दिना है। बोल दे। Okay, good night everybody.
आया नहीं, दिन में कुछ नहीं, छोटा जाता मैं।